हेलो डे स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का जो एक बचा हुआ पार्ट है और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट पार्ट भी है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं इस पार्ट से, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है इन परफेक्शन इन सॉलिड, कि सॉलिड में किस तरीके से इनपरफेक्शन आते हैं। तो अब जैसे ये सब बातें आपने पढ़ रखा है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो क्रिस्टलिन एंड एमार्फस सॉलिड, या हम सिंपल इस टॉपिक को ऐसे ही बोल सकते हैं, इनपरफेक्शन या सिंपल डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ओके, सो ऑल्दो क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैव अ शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, येट क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट। यूजली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल एंड दी स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट्स इन देम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके क्रिस्टलिन जो सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, लॉन्ग रेंज भी आपके होते हैं। ओके, बट इन क्रिस्ट, या यू कहिए कि सॉलिड जो होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल का ही अरेंजमेंट होता है, और ये जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफेक्ट्स होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स या डिफेक्ट इन सॉलिड। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि दिस हैपेंस व्हेन क्रिस्टलिन प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर एट अ फास्ट आर मॉडरेट रेट। कि ये होता कब है, ये तब होता है कि जब ये डिफेक्ट्स कब आते हैं, कि जब क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि बहुत जब फास्ट या मॉडरेट रेट से हम जब सॉलिड बनाते हैं तभी ये डिफेक्ट आता है। सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। एक सिंगल क्रिस्टल कब बनता है, जब प्रोसेस क्या हो, बहुत ही स्लो रेट पर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो। इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, इनफैक्ट बहुत स्लो प्रोसेस होने के बावजूद भी ये डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। एंड द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इज इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मोटा मोटा ये जो ऊपर के तीन चार जो लाइनें थी, उनकी लाइनों का कहने का मतलब ये था कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर डिफेक्ट आ ही जाता है। प्रोसेस वेरी 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 स्लो होगा तभी एक क्या है, परफेक्ट यानी बिना डिफेक्ट का क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, फॉर्म होता है। अब ये जो डिफेक्ट है, इसी डिफेक्ट को, देर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, अब ये दो तरह के डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट का मतलब आप समझ ही गए हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि इरेगुलरिटीज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एटम इन अ क्रिस्टलिन सबस्टांस, कि अगर एटम के अराउंड क्या हो, अगर डिफेक्ट हुआ हो तो पॉइंट डिफेक्ट है, और अगर पूरे लाइन में क्या हो, डिफेक्ट हो, इंटायर रो में डिफेक्ट हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, लैटिस डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। यानी कि दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, यानी कि हमने मोटा मोटा क्या क्या बातें यहाँ पर डिस्कस की वो देख लीजिए, कि हम लोगों ने एक बात किया, दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, और इसी ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, सॉलिड में क्रिएट होता है। और ये डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक का नाम है बेटा पॉइंट डिफेक्ट और एक का नाम क्या है, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब जो हम लोग के सिलेबस में वो डिफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन है, पॉइंट डिफेक्ट। तो दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड वी हैव कन्फाइंड आवर डिस्कशन टू पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोटा मोटा इतनी सी बात थी बस। अब टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो पॉइंट्स जो डिफेक्ट होते हैं इनको तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक का नाम है स्ट्रैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्यूटेड डिफेक्ट, तीसरा है नॉन स्ट्रैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट ये तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रैक्चोमेट्रिक, एक इम्प्यूटी और नॉन स्ट्रैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट।
एक एक करके तीनों डिफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है, स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या नाम है? स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या होता है, देखिए, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डोंट डिस्टर्ब द स्टैक्चोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। यानी कि इस डिफेक्ट के बाद भी अगर स्टैक्चोमेट्रिक यानी कंपोजिशन अगर चेंज ना हो तो इन्हीं को बोलते हैं स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। इनके और कुछ नाम है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनमिक डिफेक्ट। तो इसका एक और नाम क्या बेटा, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनमिक डिफेक्ट। व्हाट इज द स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट, कि दोज पॉइंट डिफेक्ट इन विच स्टैक्चोमेट्री विल नॉट डिस्टर्ब। ओके, यानी कंपोजिशन में कोई बदलाव ना आए। इसका और नाम क्या है, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। यहाँ तक क्लियर? फिर अगली जो बात क्या कह रहा है, अब अगेन बेसिकली दीज आर टू टाइप ऑफ, अब स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर दो टाइप में क्या कर रहा है, वो कैटेगराइज कर रहा है। ये दो टाइप हैं और ये जो दो टाइप हैं कौन कौन से हैं, एक का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट और एक का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, आप ध्यान से देखिए कि ये जितने भी ये जो ग्रीन वाले एटम्स हैं ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और देखिए दो प्लेस से, दो लैटिस पॉइंट से ये एटम्स क्या है, गायब हैं। तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिख रहा ना, ये वैकेंसी क्या हो गई, ये क्रिएट हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्या बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट को, देखिए, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट, फिगर 1.23। इसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस एंड दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो डेवलप व्हेन सबस्टांस इज हीटेड। तो अब इसमें क्या क्या बातें लिख दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कुछ लैटिस साइड वैकेंट हो जाएं, इसके क्या होगा, डेंसिटी घट जाएगी। दिख ही रहा है सबस्टांस अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी बेटा, वॉल्यूम तो वही है लेकिन कुछ एटम्स चले गए तो डेंसिटी घट जाएगी। और ये डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब सबस्टांस को आप क्या करें, हीट करेंगे तो कुछ पार्टिकल निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट है उसका नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है, पहले देखिए, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस एटम या मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब वाइड, खाली जगह, इन द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिगर 1.24 देखते हैं, और इस डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो दिस इज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप ध्यान से देखिए कि इसमें ये आपके वाइडर पोजीशन है, ये वाइड पोजीशन है। तो देखिए कुछ वाइड पोजीशन में क्या है, इन्होंने अकुपाई, मतलब यहाँ अकुपाई कर लिया अकुपाई, तो इन्होंने वाइड पोजीशन या इंटरस्टिशियल पोजीशन को एटम ने अकुपाई कर लिया है, तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो क्या होता है, अगेन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इसको वाइड डिफेक्ट भी बोलते हैं, कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को अकुपाई कर ले, इसका नाम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, डेंसिटी इस केस में बढ़ जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्लियर? फिर क्या बोला, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे एक्सप्लेन अबव कैन बी शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड जो मतलब कि जिसमें जो कैटायन और एनायन से न बने हो, तो इस तरीके से हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड साथ इनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी होगी। यानी कि हम देख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी केस में अंदर जा रहा है, किसी केस में बाहर जा रहा है, किसी केस में अंदर आ रहा है। तो अगर वो न्यूट्रल एटम है या मॉलिक्यूल है तो उस केस में तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड है तो हमको नंबर ऑफ कैटायन एनायन इस तरीके से निकालने या जोड़ने हैं या जुड़ते हैं सच दैट कि मॉलिक्यूल सिस्टम, होल सिस्टम मस्ट बी न्यूट्रल। तो रेदर देन सिंपल वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, यहाँ पर ये इन डिफेक्ट को एक नया नाम देते हैं, एक का नाम है फ्रेंकल और एक का नाम स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, ये हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, किसके लिए, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। लेकिन आयनिक सॉलिड के लिए क्या डिफेक्ट का नाम होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर आप तक? और ये फ्रेंकल स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके देखते हैं। तो अगला जो है इसमें ही
स्टैक्चियोमेट्रिक डिफेक्ट का अगला पार्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, देखिए दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड। पहला चीज तो आयनिक सॉलिड से शो करता है। द स्मॉलर आयन यूजली कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। फिगर 1.25 पे भी जाते हैं। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। तो क्या क्या बोला, पहली चीज की ये आयनिक सॉलिड के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं। अब ये इसमें क्या है वो देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये क्रिस्टल है जिसमें ये कैटायन और एनायन क्या है इस तरीके से रखे हुए हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो भी छोटा है, छोटा ये वाइडल पोजीशन, ये कौन से पोजीशन है जो बीच में बचे हैं, ये वाइड पोजीशन है यानी खाली जगह या इंटरस्टिशियल साइट आप बोल लीजिए इसको। तो इनमें से जो छोटा है, अगर कैटायन छोटा है तो कैटायन ही क्या करेगा, वाइड पोजीशन को ओकुपाई करेगा। तो अब जो सिस्टम बन जाएगा, मान लीजिए कि कैटायन ने अपनी पोजीशन खाली कर दी और खाली करके वो क्या कर दिया, ये बीच में यहाँ मान लीजिए कि आ गया, मीन्स इसने वायरल पोजीशन को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो अपना ये क्या है, अपना ये लैटिस साइड छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड इसने ऑक्यूपाई कर लिया, बाहर नहीं गया अंदर ही आ गया। तो ऐसे ही डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो अगेन व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस इज डिफेक्ट शोन बाय द आयनिक सॉलिड एंड द सिमिलर स्मॉलर आयन, और स्मॉलर आयन जनरली कैटायन होता है, वो अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर वही बोल रहा है कि जहाँ से खाली हुआ वो वैकेंसी है, सो इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। इसी को बोलते हैं क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट का एक और नाम है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन क्यों बोल रहे हैं कि कैटायन अपने पोजिशन से डिसलोकेट होकर एक नया पोजीशन ऑक्यूपाई कर ला। तो अगर बोलेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ कि कैटायन जो है वो सॉलिड को उसने लीव नहीं किया है, तो यहाँ डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, डेंसिटी विल नॉट चेंज। फिर फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सबस्टांस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैटायन और एनायन के साइज में क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। और जनरली कैटायन छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो कैटायन अपने लैटिस पोजिशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजिशन क्या कर लेता है, उपाय कर लेता है। और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सीरीज एग्जाम्पल ये पूछे जा चुके हैं, ये चार एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, ये सारे के सारे क्या हैं, इट विल शो फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जिंक सल्फाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है, तो आप बोलेंगे इट्स शो फ्रेंकल डिफेक्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर डाटा, ओके। सो आई होप कि फ्रेंकल डिफेक्ट आप समझ चुके होंगे। अब चौथा जो डिफेक्ट है उसका नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या नाम बेटा, स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, इट इज़ अ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। कैसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, तो समझिए इस चीज़ को। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट था, मैंने समझाया भी था कि आप ध्यान से देखिए कि इस पोजिशन से कैटायन निकल कर, मीन्स यहाँ से निकल कर ये बीच में आ गया है, तो इसने अपनी लैटिस पोजीशन को छोड़ दिया, या आप ऐसे देख लीजिए कि इसने अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ दिया, ये लैटिस पोजीशन है, और ये क्या इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। इसी का नाम है फ्रेंकल डिफेक्ट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें से अपने पोजीशन को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से कैटायन इस पोजीशन दे, और इस पोजीशन देखिए एनायन ये गायब है, यहाँ किसे कैटायन गायब है और यहाँ से एनायन गायब है, और दोनों ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इसमें क्या होता है कि ये लैटिस छोड़कर बाहर चले जाते हैं,
और बाहर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि सच दैट सिस्टम क्या हो, न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ सिर्फ देखिए ध्यान से, तो वैकेंसी डिफेक्ट ही क्रिएट हो रहा है, और चूंकि ये बाहर चले जा रहे हैं अंदर नहीं रह रहे हैं तो इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो क्या लिख रहा है फिर से देख लीजिए, इट इज़ अ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन एनी सॉलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायंस आर इक्वल। ओके, फिर क्या बोल रहा है, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस, की डेंसिटी यहाँ घट जाती है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन एनी सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इस तरह के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10^6 स्कॉटकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। यानी कि ये बोलना ये चाह रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन है कि NaCl क्रिस्टल में 10^6 क्या होते हैं, स्कॉटकी पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होते हैं, गायब होते हैं। तो ये डाटा इसको ध्यान में रखिएगा, इन 1 cm³ देयर आर अबाउट 10^22 आयन। यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 cm³ में 10^22 आयन्स क्या होते हैं, वो गायब होते हैं। दस देयर इज़ अ 1 Scottky डिफेक्ट पर 10^16 आयन्स। तो इसका मतलब क्या है कि पर 10^16 आयन्स पर क्या होता है, 1 Scottky डिफेक्ट होता है। कि टोटल नंबर ऑफ ऑन 10^22 होते हैं जिसमें से 10^6 गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि पर आयन पे, पर डिफेक्ट 10^16 आयन पर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर स्कॉटकी डिफेक्ट्स इज शोन बाय द आयनिक सबस्टांस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्कॉटकी डिफेक्ट कहाँ शो करता है, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज, कैटायन और एनायन का साइज नियरली क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स हो करेगा, और नियरली सेम होगा तो स्कॉटकी डिफेक्ट्स हो करेगा। और ऐसे इसके एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr, ये सारे के सारे स्कॉटकी डिफेक्ट्स हो करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल AgBr है, ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। AgBr एक इकलौता एग्जांपल है जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो कर रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ पर कि फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो कर रहा है। तो आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो आप बोलेंगे AgBr, इट्स सो बोथ, है ना, AgBr सो बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद करते हैं, वही सब बातें कह रहा है कि आयनिक सबस्टांस इन विच द, अच्छा तो ये हो गया हमारा फ्रेंक, मतलब कि स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोगों ने पूरा क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया, तो फिर से एक बार यहाँ कर देते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों ने पहला जो डिस्कस किया वो क्या है, स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ा वैकेंसी डिफेक्ट, एक पढ़ा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक पढ़ा फ्रेंकल डिफेक्ट और एक पढ़ा स्कॉटकी डिफेक्ट। और ये जो दोनों डिफेक्ट हैं ये आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं, और यही दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है। अब हम लोग जो सेकेंड डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या नाम है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कि इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण अगर डिफेक्ट जनरेट हो जाए। तो क्या बोल रहा है, इफ़ मॉल्टन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द Na+ आर ऑक्यूपाइड बाई द स्ट्रॉन्शियम+2, इच स्ट्रॉन्शियम प्लस टू रिप्लेस 2 Na+ एंड इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ 1 आयन एंड अदर साइट रिमेन्स वैकेंट, द कैटानिक वैकेंसी इज दस प्रोड्यूस आर इक्वल इन नंबर टू दैट स्ट्रॉन्शियम+2 आयन। अनदर एग्जाम्पल इज द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कैडियम क्लोराइड एंड AgCl। क्या बोल रहा है, अब इसको ऐसे समझिए, ये डायग्राम में भी दिखा रहा है, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि अगेन ये कैटायन एनायन, ये आपके आयनिक सॉलिड है।
जिसमें से जो कैटायन है वो Na प्लस है और ये जो एनायन है वो Cl माइनस है, जैसा कि फिगर नंबर 1.27 में दिखा रहा है। अब क्या किया कि इसको मैंने स्ट्रॉन्शियम प्लस टू से रिप्लेस किया, तो मैं एक स्ट्रॉन्शियम प्लस टू का डालूँगा तो भाई चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो Na प्लस निकलेगा। तो मैंने क्या किया, दो Na प्लस यहाँ से निकाला, दो Na प्लस निकाला, दो Na प्लस निकाल कर एक जगह क्या आ गया स्ट्रॉन्शियम प्लस टू, तो एक जगह एक खाली आ गई, तो एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। इसी का नाम क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पोजीशन पे Na प्लस था, इस पोजीशन पे Na प्लस था, लेकिन एक स्ट्रॉन्शियम आया और दो Na गायब हो गए, तो एक जगह खाली हो गया, तो एक कैटायनिक वैकेंसी यानी कैटायनिक साइड पर क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। और ये क्यों हुआ, बिकॉज अब हमने एक बाहर से फॉरेन सब्सटेंस क्या किया, ऐड किया, तो इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें NaCl में कौन सी प्योरिटी ऐड की बेटा, तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की। ऐसे एक और एग्जांपल है जो आपसे पूछ सकता है, AgCl में किसको ऐड करते हैं, तो कैडमियम क्लोराइड की। तो ये ध्यान रखिएगा, रिमेंबर ये डाटा डाइट पूछा गया है कि NaCl में किसको ऐड करते हैं, तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को, और AgCl में किसको ऐड करते हैं, तो कैडमियम क्लोराइड को। और आई होप इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब आप समझ गए हैं कि इम्प्योरिटी ऐड करने से वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ओके, तीसरा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद जो तीसरा डिफेक्ट हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है, नॉन स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। नॉन स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इस डिफेक्ट में स्टैक्चोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डोंट डिस्टर्ब द स्टैक्चोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलिन सब्सटेंस। अभी तक जो मैंने दोनों डिफेक्ट पढ़े उससे स्टैक्चोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है। However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent elements in a non-stoichiometric ratio due to the defect in their crystal structure. यानी कि non-stoichiometric defect क्या होता है, ऐसे defects जिसमें इसकी stoichiometry क्या कर जाए, change कर जाए। और ये defect भी दो तरह के होते हैं, non-stoichiometric defect भी दो टाइप के होते हैं। पहले का नाम है metal excess defect और दूसरे का नाम है metal डेफिशियंसी डिफेक्ट। तो एक का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक का नाम है मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट। ये नॉन स्टैक्चोमेट्रिक डिफेक्ट के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि इसके इस डिफेक्ट में फाइनली मेटल मीन्स कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एल्कली हैलाइड जैसे NaCl और KCl, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिफेक्ट कौन सो करता है, तो एल्कली हैलाइड यानी फर्स्ट ग्रुप मीन्स NaCl KCl ये डिफेक्ट सो करते हैं। When crystal of NaCl are heated in the atmosphere of sodium vapor, अब ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। When crystal of NaCl, NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसको हम सोडियम यानी मेटल के वेपर में हम क्या करेंगे, उसको हीट कर रहे हैं। The sodium atom are deposited on the surface of crystal, उस केस में जो सोडियम का एटम होता है वो NaCl के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है और अंदर से जो Cl- आयन है वो डिफ्यूज़ होकर सरफेस पर आ जाता है और कंबाइन होकर सोडियम के साथ वो NaCl बना लेता है। यानी बाहर का जो सोडियम वेपर था उसके साथ अंदर का Cl- क्या है, अटैच हो जाता है। एंड दिस हैपेंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na+। और इस प्रोसेस में जो बाहर का सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, तभी तो Na+ Cl- NaCl बनाएगा। एंड द रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला जो इस Na से, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला
ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दिस रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइट, फिगर 1.28। देखिए तो यहाँ जो सी एल माइनस था वो निकल के बाहर आ गया, इससे मिलकर अगेन NaCl बना दिया और खाली जगह पर क्या आ गया, वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का वेपर क्या कर गया, लूज किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिस्टल नाउ हैज द एक्सेस ऑफ सोडियम। अब क्या हुआ कि अब ध्यान से देखिए कि Cl- बाहर चला गया तो अब Na+ का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है, और ये जो साइट था वहाँ से Cl- गायब हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एनायनिक वैकेंसी। ये क्या है, एनायन गायब हो चुका है तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। क्या बोल रहा है, एज रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एक्सेस ऑफ सोडियम एंड द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। अब एक टर्म आ गया एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर, सो एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसी का नाम क्या है बेटा, एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, कलर सेंटर, यानी कि यही कलर, ये जो NaCl का जो कलर होता है येलो कलर, वो बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर होता है। दे इम्पोर्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ येलो कलर ऑफ NaCl, तो यू विल से दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। व्हाट इज एफ सेंटर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एनायनिक साइट। द कलर रिजल्ट बाय द एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। अब ये वो कलर का कॉन्सेप्ट वही है कि इसके ऊपर जो विजुअल लाइट है वो एनर्जी लेकर ये हायर एनर्जी में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जब वहाँ से फिर से वो लोअर एनर्जी में आता है तो जो एनर्जी इमिट करेगा उसी के कारण ये येलो कलर का दिखता है। सिमिलरली द एक्सेस ऑफ लीडियम LiCl क्रिस्टल, तो LiCl का कलर क्या होता है बेटा, पिंक, और पोटेशियम में KCl का कलर क्या होता है, वॉलेट या लाइलेक। तो इसमें देखिए एक तो ये बात कि किसका क्या क्या कलर, तो KCl का कलर ये वॉलेट या लाइलेक, LiCl का कलर पिंक, और सोडियम कलर येलो। एक तो कलर पूछेगा और दूसरा कि कैसे ये डिफेक्ट होता है। ओके, एफ सेंटर क्लियर हो गया। तो ये आपका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज़्यादा है इसलिए इसका नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बट रीजन क्या है, ये डिफेक्ट कैसे हुआ, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी कि Cl- जो अपना जगह छोड़ गया है उसके कारण ये डिफेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने का पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मीन्स वही वाइड पोजिशन, यानी इस केस में कैटायन ही क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा कैटायन वाइडल पोजीशन को या इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस तरीके से कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज़्यादा हो जाता है। अगेन इट इज़ कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। होता क्या है वो देख लीजिए कि जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है एट रूम टेम्परेचर, और हीट करने पर ये ऑक्सीजन लूज कर देता है और येलो कलर का हो जाता है। ये रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड हीट किया O2 निकल गया, और ये Zn+2 और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो Zn+2 जो निकला है, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स Zn1+XO एंड द एक्सेस Zn+ आयंस मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। तो ओवरऑल क्या हुआ, ऑक्सीजन लीव कर गया और Zn+2 का नंबर यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। सो दीज आर द टू मेथड, फर्स्ट मेथड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ओके, पहले वाले में NaCl का कलर येलो, KCl का कलर वायलेट, LiCl का कलर पिंक, और इसमें जिंक ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का होता है और हीट करने पर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा जो एग्जांपल है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, दूसरा जो है वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग डेफिशिएंट डिफेक्ट। पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट,
देयर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टैक्चूमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कम्पेयर टू द स्टैक्चूमेट्रिक प्रोपोर्शन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मेटल का नंबर ही कम होता है। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ FeO का एग्जाम्पल ही है विच इज़ मोस्टली फाउंड इन द कम्पोजिशन ऑफ Fe 0.950O। यानी यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर Fe 0.950O है, मीन्स अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर O के अगर 100 एटम है तो Fe कितना होगा, सिर्फ 95 ही होगा। यानी कि एनायन का नंबर जो है वो कैटायन से ज़्यादा हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है, क्या नाम है बेटा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, अब ये बोल रहा है कि इट मे एक्चुअली रेंज फ्रॉम द Fe 0.93 से Fe 0.96, इसके बीच में ये वेरी कर सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि इन द क्रिस्टल ऑफ FeO सम Fe+2 आयन आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड आयन बाय Fe+3। यानी Fe+2 के कुछ आयन Fe+3 से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और जनरली ये जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, सो करते हैं। तो आई होप आप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आप समझ गए होंगे। तो अगर बैक हम जाएं तो हमने आज क्या क्या इसमें डिस्कस किया, तो नॉन स्टैक्चूमेट्रिक में फर्दर हमने एक पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक पढ़ा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो तरीके हैं, एक बिकॉज ऑफ एनायनिक वैकेंसी और एक बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई वाइड पोजीशन। तो ये पॉइंट डिफेक्ट हमको पढ़ना था। तो पॉइंट डिफेक्ट में बेटा तीन तरह के होते हैं, स्टैक्चूमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूटेड डिफेक्ट और नॉन स्टैक्चूमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्चूमेट्रिक डिफेक्ट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने एक पढ़ा वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर पढ़ा हमने फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट ओनली सो बाय द आयनिक सॉलिड। फिर पढ़ा हमने इम्प्यूटी डिफेक्ट, जो कि इम्प्यूटी डिफेक्ट जो होता है वो कब होता है कि जब हम कोई इम्प्यूटी ऐड करते हैं उसके कारण डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्यूटी डिफेक्ट। फिर नॉन स्टैक्चूमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें स्टैक्चूमेट्री चेंज कर जाता है, ये भी दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से होता है, एनायनिक वैकेंसी के कारण और दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द वाइडल पोजीशन। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, सो करते हैं। तो ये डिफेक्ट का ये पूरा हमने कहानी डिस्कस कर लिया, इतने सारे ये टाइप्स थे। और डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम पे, इनफैक्ट एडवांस में भी सॉलिड स्टेट से डिफेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये सब डिफेक्ट था। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। सॉलिड हैं तो आपको पता है कि सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड कैन बी एज इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर। तो ये जो चैप्टर है ये अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉलिड की दो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट एक तरह से हम लोग यहाँ कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कवर हो जाएगा, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी। और एक पूरा एक बाकायदा एक चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, ये पूरा बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकली ये सब बातें फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस होंगी, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव तरीके से बस हम लोग एज इंफॉर्मेशन इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो सॉलिड एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 10^-20 से 10^7 पर ओम पर मीटर। तो ये कंडक्टिविटी का रेंज है, तो एक रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इंफॉर्मेशन। सॉलिड कैन बी क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड को तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो मैं जैसा बोल ही जाता कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। रेंज अगर सॉलिड
विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग क्या 10^4 से लेकर 10^7 के रेंज में है तो ये कंडक्टर है। मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है 10^7 पर ओम पर मीटर होती है, दे आर गुड कंडक्टर। तो ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा कंडक्टिविटी के टर्म में, ये डाटा ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर, दीज आर द सॉलिड विद अ लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी, रेंज 10^-20 से 10^-10, अगर इस रेंज में है तो इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर इन दोनों के बिटवीन, इन बिटवीन, और इनकी कंडक्टिविटी क्या 10^-6 से लेकर 10^4 इसके बीच में है तो ये सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो इस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज अ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बेसिकली कंडक्शन कैसे होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा होपफुली आप लोगों ने, तो वहाँ कैसे कंडक्शन होता है उसके बारे में आपको आइडिया होगा। इनफैक्ट जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि मेटल में जो प्रेजेंस ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उनके कारण मेटल क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, अ कंडक्टर में कंडक्टिविटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आयंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा, हमने इस बात को पढ़ रखा था कि मेटल के केस में मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। मेटालिक कंडक्टर बिलोंग्स टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू द लेटर, यानी कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के कारण कंडक्टिविटी होती है। और ये पूरा इन बातों को हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। फिर मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, कि दोनों स्टेट में मेटल कंडक्टिविटी करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम, कि पर एटम कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज फॉर्म अ बैंड। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ही रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं और वो इतने नज़दीक होते हैं कि वो एक बैंड फॉर्म कर लेते हैं, इसको हम एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। इफ़ दिस बैंड इज पार्शली फिल्ड आर इट्स ओवरलैप विद द हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड द कंडक्शन बैंड, देन इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ईजिली अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मेटल सोन द कंडक्टिविटी। अच्छा, अब ये जो बैंड की जो बातें कर रहा है इसका डिटेल में सेमी कंडक्टर टॉपिक में डिस्कस किया जाता है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा कि जब ये क्या करते हैं, अब इसमें एक टर्म है वैलेंस बैंड और एक टर्म है कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं मेटल्स के तो वो बैंड बना लेते हैं, तो इस तरह से दो बैंड बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी लेवल ही हैं और इन दोनों बैंड के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ ही रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो अब वही बातें कह रहा है फिर से, यहाँ देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। तो इन्होंने ये बैंड बना लिया, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। इफ दिस बैंड इज पार्शली फिल्ड, या तो ये बैंड पार्शली फिल्ड हो या तो आपस में क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन कर सकता है। इफ़ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट अनऑक्युपाइड बैंड मीन्स कंडक्शन बैंड इज लार्ज, अगर ये फॉरबिडन गैप बहुत ही लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प टू इट, एंड सच अ सब्सटेंस हैज अ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव एज अ इंसुलेटर। यानी कि जो बीच में जो गैप है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे हैं, ये गैप जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ही वो उसकी कंडक्शन कम होती जाएगी और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और ये गैप जितना कम होगा उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक मोटा मोटा आपको बैंड के बारे में एक आइडिया लग गया, और ये बैंड के बारे में पूरा क्या है, सेमी कंडक्टर एक चैप्टर है फिजिक्स में जिसमें बाकायदा आपको डिस्कस किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये सलाह दूंगा कि एज अ इंफॉर्मेटिव, बस एज अ डाटा इन बातों को समझिए।
क्योंकि यहाँ पूरी मैं सेमीकंडक्टर तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो बस एज ए इन्फॉर्मेशन इन बातों को आप समझिए। अब वही बात कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो नीचे वाला क्या है बेटा, ये जो ब्लू में दिखा रहा है ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है कंडक्शन बैंड है। तो वही बोल रहा है कि मेटल के लिए कब होगा, जब बैंड क्या पार्सली फिल्ड हो या ओवरलैप करे। तो ये आपका बैंड डायग्राम फॉर द मेटल है, और जब इन दोनों के बीच में गैप क्या हो बहुत ही ज़्यादा हो, है ना, देख रहा ना फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा हो तो ये इंसुलेटर है, और गैप बहुत ही कम हो तो ये क्या है सेमीकंडक्टर है। ओके, जितना ये गैप बढ़ता जाएगा उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये बैंड डायग्राम क्लियर है तक। अब ये हो गया मेटल, तो मेटल का मेटल में कैसे कंडक्शन होता है समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ बैंड। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होता है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल एज फिगर 1.29C। तो ये 1.29C का जो ये हम ये देख रहे हैं कि ये है वैलेंस बैंड बेटा और ये है कंडक्शन बैंड, और ये बीच में क्या है एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप क्या है इन कंपेरिजन टू इंसुलेटर, ये बहुत ही कम है। सो देयर फोर सम इलेक्ट्रॉन मे जम्प टू कंडक्शन बैंड। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो यहाँ से जंप करके ये कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएँ, एंड सो सम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन टूट कर कंडक्शन बैंड में जाता है। सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड, सबस्टांस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, तो एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 है ना, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है ना, कार्बन और सिलिकॉन और उसके नीचे जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो हैं आपके सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो बस ये जितनी बातें ना इंफॉर्मेशन, इसकी थ्योरी उसमें नहीं घुसना है कि क्या है नहीं है, ये थ्योरी आपको सेमीकंडक्टर में बुक का पूरा बकायदा फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और एक बड़ा चैप्टर है। यहाँ बस ये सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, और कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूटकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिस कारण से इसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, और टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। फिर क्या बोला, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज, कितना कम होता है कि इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय द एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी, यानी बाहर से कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करके हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डोपिंग। तो एक टर्म आ गया डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सुटेबल इम्प्यूरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, इसी प्रोसेस का नाम है डोपिंग। ठीक है, फिर डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्यूरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी का एडिशन जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टांस का या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्टांस का, सिलिकॉन आर जर्मेनियम सच इम्प्यूरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स इन देम, और इसके कारण क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मोटी मोटी बात समझिए, इसमें मैंने डोपिंग किया मीन्स कुछ ऐड किया, तो ये ग्रुप नंबर 14 का होता है इंट्रिंसिक वाला है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 होते हैं, तो इसमें ग्रुप नंबर 15th और ग्रुप नंबर 13th, 15th में इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, और 13 ग्रुप से डोप करेंगे तो उसको पी टाइप। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तो दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं एन टाइप और पी टाइप, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। अब यही इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रखा है, क्या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज, और इसी का नाम क्या बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिर्फ बातें यहाँ पे आप जाते हैं, एन टाइप बोलते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम बिलोंग्स टू 14 ग्रुप, जो मैं लिख रहा था यहाँ पर मैं 14 ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल एंड द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इच इन देयर क्रिस्टल इच एटम फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबर व्हेन डोप्ड विद द 15 ग्रुप लाइक फास्फोरस आर्सेनिक, ये 15 ग्रुप में ऐड किया, विच कंटेन फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट इन द सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रिस्टल। फोर आउट ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर नेबरिंग सिलिकॉन एटम एंड द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम डीलोकलाइज, में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई चार से चार तो मिल गया, पांचवा खाली हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। द लोकल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन आर जर्मेनियम, हेंस इन देयर इज इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड एन टाइप। देखिए ना, मैंने लिखा था ऊपर एन टाइप, तो ये बस इंफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं एन टाइप। और ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, किसको ऐड करते हैं, ग्रुप नंबर 13 को। तो डायग्राम में आप पहले वो जो बोल रहा था वो पहले देख लीजिए कि ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये एन टाइप कैसे बना, तो 15 ग्रुप मैंने ऐड कर दिया और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो एन टाइप हो गया। और अगर 13 ग्रुप मैंने ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, पी टाइप, तो एन टाइप और पी टाइप। कैसे बनता पी टाइप, तो वही चीज, सिलिकॉन जर्मेनियम कैन ऑल्सो डोप विद द ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक 13 में कौन होता है बेटा, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल आर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। तो चार बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, तीन ही होता है इसमें, तो एक जगह खाली हो जाती है तो उसको इलेक्ट्रॉन होल बोल देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल बट इन डूइंग सो इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इफ इट हैपन इट वुड अपीयर एज इफ द इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द of electron that filled it. Under the influence of electric field, electron would move towards the positively charged plate through the electronic holes, but it would appear as if the electron holes are positively charged and moving towards the negatively charged plate. And this type of semiconductor is called P-type semiconductor. तो इसमें देखिए सारा डिटेल डिस्कशन सेमीकंडक्टर में होगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ। इसमें क्या क्या बातें हैं कि सिंपल कि 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप में आपने 13 ग्रुप को ऐड किया तो क्या बन गया बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और अगर 14th ग्रुप में 15th ग्रुप को डोप कर दिया तो क्या बन जाता है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है और पी टाइप में होल क्या होता है, वो एक्सेस में होता है। ओके, अप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये अगेन अप्लीकेशन है, सो जो कि सेमीकंडक्टर में अगेन डिस्कस किया जाएगा। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स कंपोनेंट्स, जो बहुत सारे, जैसे डायोड का नाम सुना होगा, डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये डायोड जो होता है इसी से बनता है। और डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, वोल्टेज रेक्टिफिकेशन, करेंट रेक्टिफिकेशन, हाँ ठीक है ना, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में मेड बाय द सैंडविच ऑफ अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन द टू लेयर ऑफ अदर टाइप, तो दो तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी टाइप। ये ट्रांजिस्टर भी हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में। ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट द आर एम्पलीफाई द रेडियो और ऑडियो सिग्नल, इनका काम क्या होता है, रेडियो ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करना है, उसको एम्पलीफाई करना। द सोलर सेल इज एफिशिएंट फोटो डायोड यूज टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल भी जो होता है वो इन्हीं एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर से ही बनता है, जिनको हम फोटो डायोड भी बोलते हैं। तो ये सब क्या, एक छोटा सा बस एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कहाँ कहाँ एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं, और बेटा ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। आप लोग को ये सारी बातें बस और बस एज ए इन्फॉर्मेशन ही अभी फिलहाल ध्यान में रखनी है।
फिर अगली बात, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर ग्रुप 14 एलिमेंट एंड देयर फोर दे हैव अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस ऑफ फोर एंड फॉर्म फोर बॉन्ड एज इन द डायमंड. अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13, 15, 12, 16. तो 13 + 15 मतलब ऐसे बोल रहा है कि 13 ग्रुप + 15 ग्रुप 12 + 16 ग्रुप से भी बहुत सारे सबस्टांस बनाए जाते हैं. ठीक है, टू सिमुलेट एवरेज वैलेंस ऑफ फोर एज इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन द टिपिकल कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13, 15. ये 13, 15 के जो कंपाउंड है वो दे रखे हैं, आयन, इंडियम, एंटीमनी, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड. तो ये क्या है आपके, इसी 13, 15 के क्या है, 13 ग्रुप के और 15 ग्रुप के क्या है, मिलाकर बनाया गया है. तो ये बस ध्यान रखिएगा, गैलियम आर्सेनाइड का एक यूज लिख रहा है, इट्स वेरी फास्ट रिस्पॉन्स एंड हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिजाइन ऑफ द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. तो इसका बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स किसका है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है. ग्रुप 12, 16 के कुछ कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मर्क्यूर टेलोराइड. तो ये सब क्या ग्रुप नंबर 12 और 16 के कुछ एग्जांपल्स हैं. तो बस एज एग्जांपल ध्यान रखना है, मींस ग्रुप 12 और ग्रुप 16 से मिलाकर बनाया गया. जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी ग्रुप 12 के एलिमेंट है, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम क्या है, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है. तो 12 और 16 से मिलकर ये कुछ सेमीकंडक्टर बनाए गए. इन दीज कंपाउंड द बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवलेंट एंड द आयनिक करेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या डिफरेंट है, एक ग्रुप 12 का, एक ग्रुप 16 का, एक ग्रुप 13, ग्रुप 15 का है. तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या है, कुछ ना कुछ होगा. तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होगा, जबकि ग्रुप 14 वाले जो आपके सेमी कंडक्टर होंगे उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है. तो परफेक्ट क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. तो देख लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसी कोई बातें नहीं है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि 12 और 16 और 13 और 15 के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं. ऐसे ही और एग्जांपल पैराग्राफ इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड सो मार्क डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के जो क्या है ऑक्साइड्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही डिफरेंस होता है. जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक अ मेटल. ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है. रेनियम ऑक्साइड इज लाइक अ मेटालिक कॉपर इन द कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस. रेनियम ऑक्साइड, ये तो आपका जेईई मेंस में पूछा भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्साइड की कंडक्टिविटी कॉपर की तरह होती है, तो आंसर क्या है, रेनियम ऑक्साइड. तो यही इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन ये पूछते हैं. सर्टेन अदर ऑक्साइड लाइक VO, VO2, VO3, TiO3 सो मेटालिक आर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये चार ऐसे ऑक्साइड हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो एक तरह से ये इंफॉर्मेटिव आपका ये पैराग्राफ है, ओके, जिसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रेनियम ऑक्साइड वाला. अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक अभी तक पूरी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर. इंसुलेटर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, मेनली यहाँ पे सेमी कंडक्टर के बारे में, एन टाइप, पी टाइप के बारे में डिस्कस किया है खासकर, और एक एनर्जी बैंड डायग्राम जो शुरुआत में डिस्कस किया था वो है. अब दूसरा जो है उसके बाद से इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, और डिटेल कैसे बनता है, क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड, न्यूमेरिकल जो है, ये सब जो है ये कम्प्लीटली फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है. तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ इन्फॉर्मेशन की तो इन टॉपिक्स को लेना है. ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म भी क्लास 12th में आप लोग फिजिक्स में या तो स्टार्ट होने वाला होगा या हो चुका होगा, तो उसमें फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है. तो सॉलिड सबस्टांस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट्स हम लोग देखते हैं तो आखिर वो कैसे आती है, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ की कितनी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. तो उन्हीं के दो चार पांच के टाइप यहाँ पर डिस्कस हैं. तो थ्योरेटिकली यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव बस है. तो क्या लिख रहा है वो देखिए, एवरी सबस्टांस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट. इन हर सबस्टांस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है.
द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन उसका रीजन होता है। इच इलेक्ट्रॉन इन एटम बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट, हर एक एटम के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। इट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यानी देखिए एक न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो इन दोनों के कारण क्या है, आपको पता है कि कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एसोसिएट होती है। तो वही चीज़ हो रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दिस मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल लूप ऑफ करेंट विच पजेस अ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करता है। दस इच इलेक्ट्रॉन हैज अ परमानेंट स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट विद इट, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी स्मॉल एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। अगर आपको याद आ रहा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर क्वांटम नंबर में, तो वो वही बातें कर रहा है कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप में क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबस्टांस कैन बी क्लासिफाइड इन द फाइव कैटेगरी। इसी बेसिस पे सबस्टांस को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। पैरा डायर तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी खूब पढ़ा है। फिर एक है फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक और एक फेरी मैग्नेटिक। ये पांच तरह के क्या होते हैं, सबस्टांस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, ठीक है ना। तो इसमें बस अभी पांच जो टाइप हैं इसमें बस क्या देखना है कि ये क्या होते हैं और इनके एग्जांपल, यही दो चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो पैरा मैग्नेटिक क्या होता है, तो पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ओके। फिर अगली बात क्या है, दीज आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में ये फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। फिर पैरा मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरा मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको पता ही है O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर प्लस टू, Fe प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री। तो ये जो एग्जांपल हैं चार, इनको ध्यान में रखिएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, पैरा मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं। तो पहला पॉइंट, पैरा मैग्नेटिज्म सबस्टांस वीकली अट्रैक्ट होते हैं फील्ड से, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, इन अब्सेंस ऑफ फील्ड ये फिर से लूज कर देंगे, और पैरा मैग्नेटिज्म शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे डाया मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक सबस्टांस और वीकली रिपेल्ड, वो अट्रैक्ट होता है, रिपेल्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, और H2O, NaCl, C6H6, ये सब एग्जांपल किसके हैं, पैरा मैग्नेटिज्म के। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा मजेदार चीज़ है, ऊपर क्या था, इन सेम डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता था, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होते हैं इन सेम डायरेक्शन में, और ये क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वो भी वीकली मैग्नेटाइज होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन। फिर डायमैग्नेटिक सोन बाय दोज सबस्टांस विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। खूब पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि आइडेंटिफाई विच वन इज पैरा विच वन डाया, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा है, जिसमें नहीं है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण अपनी मैग्नेटिक करेक्टर को लूज कर देता है। तो पैरा और डाया ओके, कुछ पैरा के एग्जांपल, कुछ डाया के एग्जांपल। तो पैरा डाया तो वैसे भी आप एमओटी में खूब आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बच्चे जो तीन एग्जांपल, जो तीन कैटेगरी, इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें से फेरो मैग्नेटिज्म ये इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू सबस्टांस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैंडोलिनियम, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है गैंडोलिनियम, ये याद रखिएगा, CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरा जो होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है, ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो ये डिफरेंस दोनों में,
सच सबस्टांस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म सबस्टांस। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दी सबस्टांस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ साथ एक और बात क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह भी काम करते हैं। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस आर ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। तो अभी एक नया टर्म आया डोमेन। डोमेन क्या होता है कि मेटल आयन जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप टुगेदर, तो उनको बोलते हैं डोमेन। दस इच डोमेन एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट। अब ये डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। इन एन ऑन मैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गॉट कैंसल आउट। कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो फिर ये डोमेन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं अपने मैग्नेटिक मूवमेंट्स को। व्हेन द सबस्टांस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस ऑर्डरिंग अ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड द फेरोमैग्नेट सबस्टांस बिकम परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या है, परमानेंटिक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आया बेटा, पहला कि एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैंडोलिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड। दूसरा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तीसरा कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट के साथ साथ ये परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। चौथा टर्म डोमेन, डोमेन किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस को स्मॉल रीजन में डोमेन बोल देते हैं और ये डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डोमेन क्या होते हैं, अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्लियर। फिर है छोटा सा एक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। सबस्टांस लाइक एमएनओ, अब एग्जांपल एमएनओ हैविंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन। डोमेन बता चुके हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द, अच्छा ये जो फेरोमैग्नेटिज्म में ये जो बात कह रहा है कि ये वो फिगर 1.32 ए देखिए, तो ये 1.32 का जो ए है ये जो दिखा रहा है ये ना, ये डोमेन है। तो देखिए इन सब में डोमेन का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डोमेन का डायरेक्शन सेम है तो ये फेरो कहलाता है, एंटी फेरो कब कहलाता है, डोमेन का, देखिए डोमेन है लेकिन डोमेन कैंसिल कर रहा है, एक ऊपर डायरेक्शन एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। तो नेट यहाँ पर क्या डायपोल, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ क्या शुरू है। तो अगर ऐसा है तो एंटी फेरो है। और एक है फेरी, फेरी में क्या होता है, दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो फेरो से तो कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ओके, ये एरो क्या दिखा रहा है, एक डोमेन का मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा है। तो फेरो में सब एक डायरेक्शन में है, एंटी फेरो में एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो जा रहे हैं, फेरी में सारे एक डायरेक्शन में नहीं है लेकिन ये नेट जीरो नहीं हो रहे हैं। तो बस यही ध्यान रखना है। अब मैं फिर बता रहा हूँ एंटी फेरो में क्या है, एमएनओ इसका एग्जाम्पल है और डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिज्म बट देयर डोमेन आर पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंड कैंसल द आउट ईच देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। 1.3.2 भी ये वाला इसका डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल एमएनओ ये याद रखना है। लास्ट फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन इन सबस्टांस अलाइन इन अ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। कोई इक्वल नंबर हो जाएगा तब तो क्या कहलाएगा बेटा, एंटी फेरो। तो फेरी और एंटी फेरो में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ इक्वल एंड अपोजिट होता है और यहाँ पर अपोजिट होता है बट वो नंबर इक्वल नहीं होता है। फिगर 1.32C, तो ये है 1.32C एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है अट्रैक्ट तो होंगे ही है एज कम्पेयर टू फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, Fe3O4 इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं और Fe2O3 में बेटा क्या होता है, देखो Fe2O3 प्लस FeO होता है। तो ऐसे ही जो फेराइट्स होते हैं, फेराइट्स में क्या है, जैसे एक Fe जो प्लस टू वाला उसको हटाकर Mg लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, Mg Fe2O4, जिंक Fe2O4। तो मैग्नीशियम फेराइट इसका नाम क्या है,
मैग्नीशियम फेराइट, इसका नाम क्या है, जिंक फेराइट। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फेरी मैग्नीशियम। तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है। दीज सबस्टांस आर ऑल्सो लूज फेरी मैग्नीशियम ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरा मैग्नेटिक। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनको हीट कर देंगे तो फेरी मैग्नेटिज्म को लूज करके क्या हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, सो अगेन पांच तरह के आपके हैं, पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो और फेरी। तो इनमें जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा वो प्लस इसके एग्जांपल, यही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके,